वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है पॉट्स एंड होल्स। पॉट्स एंड होल्स तो सब टॉपिक है हमारा पैटर्न इन पॉट्स, पैटर्न इन पॉट्स। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास एक स्क्वायर ग्रिड है। ये देखिए, स्क्वायर ग्रिड यानी इसमें बहुत सी स्क्वायर्स है आती है। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि ये पार्ट्स का पैटर्न इसने किस तरह से बनाया हुआ है। तो ये एक बड़ी स्क्वायर जो है, इसमें छोटी छोटी स्क्वायर्स कितनी है पहले हम गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारे पास पूरी स्क्वायर्स जो है वो है 16। तो इसमें से इसने क्या किया है कि 8 स्क्वायर्स आउट ऑफ 16 यानी 16 में से, हमारे पास पूरे 16 हैं, 16 में से इसने 8 को ग्रीन कलर किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखिए, इसमें से कितने स्क्वायर्स का कलर ग्रीन है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का कलर ग्रीन है। तो हमने लिखा 8 आउट ऑफ 16, 16 में से 8, 16 में से 8 ग्रीन कलर की है। अब व्हाइट कलर की कितनी रह जाती है यानी सफ़ेद कलर की कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसने सफ़ेद कलर की रखी है यानी 8 आउट ऑफ 16, 16 में से 8 इसने। ये आप अपनी किताब बुक नंबर पेज नंबर 58 आप निकालिए। तो इस पे यहाँ पे आपको मिलेगा 8 बाई 16 यानी 16 में से 8 ब्लू कलर की है और 16 में से 8 वाइट कलर की है। वाइट वाइट कलर की है। तो अब हमें क्या करना है, मेक डिफरेंट पैटर्न्स बाय कलरिंग सम स्क्वायर्स इन द ग्रिड्स ए बी सी। तो यहाँ पे कुछ ग्रिड्स दिए गए गए हैं, इसमें हमें क्या करना है, अपने पैटर्न्स बनाने हैं। हम अपने पैटर्न्स किस तरह से बनाते हैं, हम देखते हैं, हम अपने पैटर्न्स किस तरह से बनाते हैं। आप भी बनाइए। इसमें ये 8 है, ये देखिए हमने नया पैटर्न यहाँ पे बनाया है। तो टोटल हमारे पास 16 है। 16 में से हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का कलर हमने रेड किया है और अब 4 जो है वो वाइट रह गई है, हमने वाइट रखा। तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, 12 बाई 16, 16 में से हमने 12 को क्या किया, रेड। ठीक है, अब वाइट कितने रहे यहाँ पे, 4 बाई 16 वाइट। ठीक है, इसी तरह से आप अपना भी, अपना अपना ये जो यहाँ पे बनाए गए हैं, आप अपने पैटर्न्स इस पे अपने पैटर्न आप इस पे बनाइए। अगर हम ऐसे करेंगे, हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ब्लैक कलर किया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का हमने यहाँ पे ब्लैक कलर किया। तो यहाँ पे 8 बाई 16, 16 में से हमने 8 का किया ब्लैक कलर, ब्लैक। अब
एट यहाँ पे रही, रह गई 8 by 16 या 16 में 8 यहाँ वाइट कलर हमने रखी। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप यहाँ पे अपना ये खुद ही करना, ट्राई करना है। ओके, दूसरा क्वेश्चन, लुक एट ए ग्रिड। अगर हम ए ग्रिड की तरफ देखेंगे, ये जो यहाँ पे हमने बनाया है, अगेन इज द ग्रिड कलर्ड 1/2 ब्लू 1/2 व्हाइट। यानी ये जो ए ग्रिड यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर टू आप देखिए, लुक एट ग्रिड ए अगेन, यानी ए ग्रिड की तरफ आप दोबारा देखिए। ठीक है, तो इज द ग्रिड कलर्ड 1/2 ब्लू 1/2 व्हाइट। हाँ, 1/2 ब्लू, तो हमारे पास क्या है, 8 by 16, 8 by 16, 8 by 16, 8 by 16, 8 ones are 8, 8 twos are 16, तो ब्लू कलर के क्या बनी, 1/2। हाँ, 8 by 16, 8 ones are 8, 8 twos are 16, तो हमारे पास बना 1/2। तो हाँ, यस, व्हाइट कलर की 8 by 16, 8 by 16 इज इक्वल टू 1/2। 8 by 16 और 1/2 एक जैसा है। 16 में से 8 हम लेंगे तो वो हो गया 16 का आधा। अगर 1/2 हम कहेंगे वो भी हुआ आधा। दैट मीन्स 8 by 16 इज इक्वल टू 1/2। 8 by 16 इज इक्वल टू 1/2, यानी 1/2 के बराबर ही है। 8 by 4, हाँ, 2/4 ब्लू। अगर हम ये भी करेंगे, 8 by 16, 4 2 हजार 8, 4 4 हजार 16, हाँ, 2/4 के बराबर भी है। 8 by 16 इज ऑल्सो इक्वल टू 2/4, 2/4 ब्लू, 2/4 वाइट, 2/4 वाइट। ओके, 8/4 2/16 के भी बराबर है। ओके, बाय।